आदि शंकराचार्य ने एक सुंदर शब्द कहा, योग रतो वा भोग रतो संग रतो वा संग विहीनः, ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। तुम भले ही इस संसार में योग रत हो या भोग रत हो, अकेले रहते हो या फिर संसार के संग रहते हो, जिस भी रूप में जीवन चर्या तुम्हारी चलती है, ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य, पर ब्रह्म परमेश्वर में जिसका चित्त रमण करता है, जिसका चित्त मन प्रभु के प्रेम में रमा हुआ है, नंदति 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 एव, बस आनंद और आनंद का मार्ग उसी व्यक्ति के लिए है जो संसार में उलझे हुए हैं और इस संसार को मनाने में और इस संसार के प्रति अपनी पूरी ऊर्जा को लगाए हुए हैं। वो दो तरह के थपेड़ों से हर समय हिलते डुलते रहेंगे, कभी हंसेंगे फिर रोएंगे, फिर हंसेंगे फिर रोएंगे, क्योंकि संसार में जीवन नदी के दो किनारे हैं, सुख और दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग, पाना खोना, मिलना बिछड़ना, लेना देना, ये सब चलता रहेगा। कभी पानी इस किनारे से कभी उस किनारे से छूता रहेगा, और कभी तो ये होगा कि ये जीवन नदी का पानी दोनों किनारों को साथ स्पर्श करता हुआ बहेगा। आंसू भी है, मुस्कान भी है, दो बेटियों में से एक खुश है एक दुखी है, एक को देखते हैं तो लगता है बहुत अच्छा, दूसरे को देखते ही एकदम उदासी आती है, एक बच्चे का कारोबार अच्छा दूसरा ठीक नहीं है, तो दो किनारों को छूकर बह रहे हो। एक जगह से कुछ आमदनी आई है तो खुशी है, दूसरी जगह डूब रहे हैं तो वहाँ आप दुखी हो रहे हैं, एक ने मान दिया दूसरे ने अपमान दिया, कहीं संयोग कहीं वियोग, इसलिए इस संसार में दोनों चीजों का रूप चलता ही रहेगा। लेकिन जो इससे ऊपर उठकर अपने परब्रह्म परमेश्वर को अपना चित्त अपना हृदय देकर उसके राज्य में रजामंद रहे और कहे कि तेरे मौसम तो बदलते रहेंगे, हर मौसम का स्वागत करना है, तो ये नहीं कहना कि सर्दी के बाद ये गर्मी आई क्यों, और अगर आई है तो जल्दी बरसात क्यों नहीं, और बरसात आई है तो ज्यादा क्यों आई। हम सभी के सभी संसार को अपने अनुसार ढाल लेना चाहते हैं, लेकिन हम किसी के अनुसार ढलने को तैयार नहीं है। सब हमसे ही एडजस्ट करें, हमें किसी से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं हो, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। यहाँ आपको प्रकृति से भी तालमेल मिलाना है, घर वालों से भी ताल मिलाना है, बाहर वालों से भी तालमेल मिलाना है, नौकर चाकर से लेकर मालिक तक सबसे आपको तालमेल मिलाना है। जब सबसे तालमेल मिला सकते हो तो सबके मालिक से तालमेल क्यों नहीं मिलाना, सबसे पहले तो वहीं तालमेल मिलाओ। सबसे पहले तो अपने प्यारे परमात्मा से ही अपने चित्त को अपने मन को जोड़ने की चेष्टा कीजिए। अब प्रश्न ये उठेगा कि जोड़ें तो जोड़ें कैसे, उसके रंग में रंग जाइए, आनंद लेना सीखिए। अपना जो भी काम करते हैं ना उसमें आनंद लेना सीखिए। कबीर अगर अपना ताना बाना बुन रहे हैं तो उसको छोड़ करके अपने हाथ में मंजीरा लेकर भजन गाने नहीं पहुंच गए, अपना काम करते करते ही आनंद ले रहे हैं। अगर आप अपने घर परिवार की, चाहे कोई महिला अपने घर में अपने रसोई घर में भोजन बना रही है, तो भोजन बनाते बनाते अपने गोविंद के अपने प्रभु के अपने राम के नाम को भी साथ साथ जोड़ते चले जाइए, तो भोजन को प्रसाद बना लीजिए और कर्म और कर्तव्य को अपनी पूजा बना लीजिए,
अपने चलने को प्रदक्षिणा बना लीजिए, अपने बैठने को भगवान के चरणों में जैसे आप आसन जमा के बैठ गए हों, भोजन को अपने प्रसाद बनाइए और जहाँ भी आप खड़े हैं वहीं आप स्थिर होकर समझें कि पूरा ब्रह्मांड ही मेरे प्रभु का प्यारे का मंदिर है और मैं उसी में अपने प्यारे की आराधना कर रहा हूँ। तो हर काम को पूजा से जोड़ दें तो हर चीज़ आपको आनंद देने लग जाएगी। और यदि आप अपने प्रत्येक कर्म में अपने आप को उलझाओगे, आसक्ति को जोड़ोगे, खींचतानी करोगे, दिए हुए प्रसाद से असंतुष्ट होकर बेचैन होकर शिकायतें करोगे और धन्यवाद करना भूल जाओगे तो जीवन शिकायतों से भरेगा, दर्द से भरेगा, आनंद लेना भूल जाओगे। पीछे एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि एक वे लोग जो भगवान को मानते हैं और एक वे लोग जो भगवान को नहीं मानते और ज़्यादा तर्क प्रधान लोग हैं, ऐसे दोनों लोगों के जीवन में अंतर क्या है। तो उसमें एक बात लिखी हुई थी कि जीवन के उतार चढ़ाव आते ही इस तरह के लोग जो भगवान को या अध्यात्म को नहीं अपनाते बहुत जल्दी तनावग्रस्त हो जाएंगे, मनचाही चीज नहीं मिली, डिप्रेस हो जाएंगे और आत्महत्या करने वालों की श्रेणी में वे लोग ज़्यादा हैं जो भगवान से, भक्ति से, अध्यात्म से दूर हैं। क्योंकि अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं ये मान लेता है कि अभी कर्म का फेर है, अभी दिन सहने के हैं, अभी जो भी चल रहा है ऐसा जीवन में होता रहता है, जिस मालिक ने अब तक निभाया आगे भी निभाएगा, अब तक दिया है आगे भी देगा, जिसने आज तक मेरी रक्षा की है वो आगे भी जरूर रक्षा करेगा, आज कुछ सहारा नहीं दिखाई दे रहा कल जरूर कुछ न कुछ सहारा आएगा, जिसकी हर दिन रात और सवेरा दोनों का मेल होता रहता है, धूप छाया का मेल होता रहता है, तो मेरी जिंदगी में भी होगा, क्यों घबराऊं। और अगर कोई सहारा नहीं है तो मेरा भगवान तो सहारा है, और अगर दुनिया के सारे दरवाजे भी बंद हो गए लेकिन मेरे परमात्मा का द्वार तो बंद नहीं होगा, उसने कुछ तो मेरे लिए सोचा ही होगा। तो इस भरोसे पर ऐसे सोचते सोचते इंसान वक्त को संभाल लेता है। अपना कर्म करने में कभी पीछे मत हटना, याद रखिए, जब प्रार्थना करने बैठो तो प्रार्थना की इंतहा कर दो और जब कर्म करने के लिए आओ तो कर्म की इंतहा कर दो। आप कहो कि कर्म करना मेरे बस की बात है तो इंतहा कर दो, चरम तक पहुंच जाओ, चरमोत्कर्ष तक पहुंच जाओ। जब प्रार्थना करो तो कहो सब मेरे बस में नहीं, सब तेरे ही बस में है, और जब कर्म करने आओ तब ये कहो कि सब कुछ मेरे कर्म में ही निहित है, इसलिए कर्म तो पूरा करना ही है और कसर नहीं छोड़ूंगा, आखिरी तक, आखिरी तक, आखिरी तक, आखिरी तक जूझूंगा, लड़ूंगा।